सत श्री अकाल जी, कैसे हैं आप लोग। आज हम बना रहे हैं बहुत ही यम्मी वाले मशरूम, तो चलिए शुरू करते हैं। ये लिए हमने मशरूम ये लिए हैं मैंने 3 पैकेट, ये पैकेट्स में ही आते हैं। और इन्हें अच्छे से धो के मैंने सिर्फ ये जो ऊपर का डंठल है वो हल्का सा ऊपर से काट दिया है और अच्छे से साफ कर लिए है। बस एक आध मशरूम ही मेरे पैकेट में तो बड़ा था, उसके मैंने 2 पीसेस कर लिए है, अदरवाइज सारे साइज ठीक ही लग रहे हैं, तो मैंने साबित ही रखे हैं मशरूम। और अब हम कुकिंग स्टार्ट करेंगे। अभी पैन कर लिया हमने गरम। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ इसमें 2 बड़े चम्मच में तेल डाल रही हूँ। मैं इसे रिफाइंड ऑयल में बना रही हूँ, आप बटर में भी बना सकते हैं। पर्सनली मैं बताती हूँ कि मेरे को बटर पसंद नहीं है, तो मैं इसे तेल में ही बना रही हूँ। और तेल जैसे ही गर्म हो जाए तो उसमें मैं डाल दूंगी ये चॉप किया हुआ प्याज, 1 बड़ा चॉप किया हुआ प्याज है मेरे पास। ज्यादा पकाना नहीं है हमें प्याज को, बस हल्का सा इसका कच्चापन दूर करेंगे प्याज को। बस ये प्याज को हमने 1 मिनट तक ही पकाया है। इसके साथ ही मैं सारे मशरूम्स डाल दूंगी इसके अंदर। इसको भी हम 1-2 मिनट तक पकाएंगे। अब ये 2-3 मिनट से हमारे मशरूम्स पक रहे हैं। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 चम्मच में इसमें डालूंगी विनेगर। मैं व्हाइट वाला डाल रही हूँ, ब्राउन वाला भी डाल सकते हैं। और 2 चम्मच ही इसमें मैं डाल दूंगी सोया सॉस। अब इसको हम हाई हीट पे ही ढक के 3-4 मिनट के लिए पकाएंगे। ये 2-3 मिनट से हमने ढक के पका लिया है। देखिए मशरूम में से काफी पानी रिलीज हो गया है। अब इसे हम हाई फ्लेम पे बिना ढके हुए ही इसका मॉइस्चर सूखने तक पकाएंगे। अब ये काफी हद तक पानी सूख चुका है, थोड़ा थोड़ा अभी भी है, लेकिन इसमें मैं डाल रही हूँ अभी ये 4 चम्मच भर के मैं गार्लिक के चॉप किया हुआ लहसुन डाल रहे हैं। लहसुन का फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा आने वाला है। और साथ ही मैं डाल रही हूँ हरी मिर्च, वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। मैंने 3 से 4 हरी मिर्च डाली है इसमें चॉप करके। और साथ ही मैं डाल रही हूँ इसमें नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। हमने सोया सॉस डाला है तो उसमें भी हल्का सा नमक होता है। और डाल देंगे इसमें हम काली मिर्च। और एक चीज जो मैं इसमें डाली हूँ, बिल्कुल ये ऑप्शनल है, अगर आपकी मर्जी हो तो डालें, इसमें मैं डाल रही हूँ ये अजीनो मोटो सॉल्ट डाल रही हूँ। इससे बहुत ही अच्छा एक चाइनीज सा फ्लेवर इसमें आएगा। बाकी आपकी मर्जी है, अगर आपको पसंद हो तो आप डालें, नहीं तो इसको आप अवॉइड भी कर सकते हैं। इसको हमने सोया सॉस और सिरके साथ पकाया है तो बड़ा ही अच्छा फ्लेवर आ गया है। और सोय की वजह से देखिए मशरूम का कलर कितना अच्छा लग रहा है देखने में। कोई भी खाना हम जब बनाते हैं खाने में अच्छा होना चाहिए, लेकिन वो देखने में भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि पहले हम हर चीज़ को आंखों से खाते हैं, उसके बाद लोग मुँह जाता है। और एक बात, ये फर्स्ट वीडियो है जो मैंने खुद से शूट करी है, तो थोड़ी थोड़ी गड़बड़ भी हुई है मेरे से, और इसी में मैंने एक क्लिप इसमें स्किप कर दिया था। जब भी हम फ्लेम बंद करेंगे एंड में, उससे 1 मिनट पहले मैंने इसमें स्प्रिंग अनियंस और हरा धनिया भी डाला है। उसे ज़्यादा कुक नहीं करना है, बस मिक्स करके हमें फ्लेम बंद कर देनी है। अब हम इसे कर सकते हैं सर्व। बहुत ही टेस्टी लगते हैं मशरूम खाने में, इसे आप एज अ स्टार्टर खाइए। मैं तो इसे डिनर वगैरह में खा लेती हूँ, क्योंकि ये लाइट भी रहता है खाने में और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। एकदम सॉफ्ट और जूसी बनी है हमारे मशरूम्स, तैयार है बिल्कुल।